दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक अगर आपने नहीं देखा तो आप ये जान नहीं पाओगे कि मार्केट खुल के कैसा बिहेव करेगा और मार्केट बंद होने के बाद क्या बिहेव करेगा, यानी बंद होते टाइम क्या बिहेव करेगा। और जितना भी फैक्ट्स बताऊंगा, लॉजिकल डेटा बताऊंगा, वो आप चेक कर सकते हैं सामने। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि देखिए निफ्टी अभी ऑलरेडी वीक है, निफ्टी में देखिएगा बाउंस बैक आता है, देन आफ्टर दैट निफ्टी नीचे चला जाता है। तो निफ्टी टोटली वीक है। इसका पहला कारण अगर आपको देखना है तो आप देखो जाके FII कंटिन्यू देखिएगा, हिस्टोरिक सेलिंग कर रहे हैं। और जब तक FII बड़ी बाइंग 3-4 दिन तक लगातार नहीं करते हैं तो निफ्टी का संभलना थोड़ा सा भी अभी थोड़ा सा असमंजस में चलेगा निफ्टी, नो डाउट। स्टॉक नहीं चलेंगे, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो निफ्टी अभी वीक है आपको ऑलरेडी पता है। अब मैं आपको बताता हूँ कल का एनालिसिस किस बेसिस पे है। तो कल के एनालिसिस के लिए आप पिछले 4 फ्राइडे देखो जाके, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो 4 फ्राइडे आप देखोगे तो कंटिन्यू अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल पे जहाँ पे भी निफ्टी था वहाँ से वो देखिएगा नीचे आके क्लोज हुआ है। और 2 फ्राइडे तो पिछले क्या हुआ है, वो निगेटिव ही क्लोज हुआ है। यानी कि फ्राइडे को जितना भी मंडे से लेकर थर्सडे तक जितनी भी बाइंग आती है समथिंग देखिएगा, जो क्रेज देखने को मिलता है वो क्रेज खत्म हो जाता है फ्राइडे आते आते तक। और चूंकि पता होता है 2 दिन की छुट्टी है, इसराइल ईरान ना हो जाए, कहीं से चाइना देखिएगा ताइवान ना हो जाए, या फिर देखिएगा कोई और पर्टिकुलर न्यूज ना आ जाए, तो बहुत सारे रिजल्ट भी लगे हुए हैं। तो इस बेसिस पे बहुत सारे लोग फ्राइडे को स्टॉक मार्केट में सेलिंग करके चले जाते हैं। तो ये दिमाग में कल के लिए रखिए कि कल निफ्टी कहीं पे भी खुले मैं बता तो दूंगा ही अभी, लेकिन लास्ट में 2:45 के बाद इस पर्टिकुलर टाइम में निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले 4 फ्राइडे से सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो निफ्टी बैंक हो और चाहे वो निफ्टी हो। अगर वो ऑलरेडी मॉर्निंग से गिरा ही हुआ है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक यानी कि 2 बजे तक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ग्रीन देखने को मिल रहा है, तो फिर वो देखेगा जैसे जैसे 2 बजे के बाद का टाइम बीतेगा तो वो नीचे जाने लगेगा। तो वो स्ट्रैटेजी आपकी कल वर्क कर सकती है कि आप वहां पे जाके ट्रेड करो। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करते हो, तो चलिए मैं 3-4 फैक्टर बता देता हूं। आज सेम निफ्टी बैंक में हुआ था तो देखिए आपको बताया भी गया था। तो चलिए सबसे पहले अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे गिफ्ट निफ्टी यहां पे आपको देखने को मिल रही है अभी भी निगेटिव। और अभी की सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो निगेटिविटी देखने को मिलेगी। इवन अगर 60-70 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस भी हो रही है तो निफ्टी उस पर कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। तो अगर ऐसी ही निफ्टी खुलती है, गिफ्ट निफ्टी खुलती है, तो हम निगेटिव या फ्लैट खुलेंगे, ये ध्यान में रखना है आपको। अगर फ्लैट खुलते हैं, निगेटिव खुलते हैं, गैप डाउन खुलते हैं, तो हम लोग मॉर्निंग के पहले सेशन के लिए क्या जाएंगे, कॉल साइड में जाएंगे। यानी कि पहले सेशन में अगर हम लोग गैप डाउन खुलते हैं या फ्लैट खुलते हैं तो पहले सेशन के लिए 8-16 मिनट के लिए हम लोग ऊपर के साइड के लिए जाएंगे, क्योंकि उतना तो पंपिंग चलेगी बाद में ट्रैप होता है। पहले पंपिंग की जाएगी 12:45 तक, फिर धीरे धीरे ट्रैप में आपको फंसाया जाएगा। फिर आगे बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर में भी सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ऐसा सच बहुत बड़ा गैप नहीं है। निफ्टी फ्यूचर अगर यहाँ पे आपको 24,700, 650, 600 देखने को मिल रहा होता तो ये बड़ी बात होती, बट वैसा ऐसा सच कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेलिंग, FII की सेलिंग एक टेंशन की बात है, कंटिन्यू सेलिंग है। इस पर्टिकुलर मंथ में इतनी बड़ी सेलिंग करी है जितनी तो कोविड में भी नहीं हुई थी। तो इतना आसान नहीं होगा कि मार्केट को अचानक से उठा के खड़ा कर दिया जाए। टाइम टू टाइम मार्केट बाउंस बैक करेगा, नो डाउट। खड़े होने के लिए उसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर लेवल पे, और वो अभी नहीं कर पा रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे US बॉन्ड मार्केट से भी कोई बड़ा रिलैक्सेशन नहीं है कि क्रैश हो गया हूँ, क्योंकि कल US बॉन्ड मार्केट की तेजी के कारण अमेरिका के बाजार क्या हुए थे, क्रैश हो गए थे। तो बॉन्ड मार्केट में अगर थोड़ी सी भी ग्रीनरी आती है तो भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। करेंसी हमारी अच्छी बिहेव कर नहीं रही, वो सीधा लो पे लो बना रही है, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद सारे गोल्ड जो अदर कॉमोडिटीज़ हैं अच्छा बिहेव कर रहे हैं। सिल्वर तो देखिए कहाँ पहुँच गई है, गोल्ड तो देखिए कहाँ पहुँच गए हैं। तो लोग कॉमोडिटी की ओर बहुत शिफ्टिंग है, समय दिवाली का टाइम है तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है।
तो ये सारे फैक्टर हैं जिसके कारण देखिएगा कल हम क्लोजिंग में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। और निगेटिव खोलते हैं तो कॉल साइड जाना है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट आप देख लोगे 24,280 का सपोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। ऊपर जैसे ही मार्केट देखिएगा 24,500 के पास पहुंचेगा तो फिर से उसे हर्डल महसूस होगा, और 24,540 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे सेलिंग जोन देखने को मिलेगा आपको। निफ्टी बैंक में बात करेंगे तो 81 देखिएगा 770 पहला रेजिस्टेंस है और 81,940 दूसरा है, इन दोनों के आसपास देखिएगा हर्डल होता है तो फिर से सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, और 2 बजे के बाद अगर ये लेवल देखने को मिल रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी है। तो फोकस करिएगा, राम राम।